IVTV देखता है इंडिया। पिछड़ा वर्ग में आपने मतभेद पैदा किए, आपने बांटा हम बटे भी, पर बदले में आपने हमें क्या दिया बताइए ना मुख्यमंत्री जी। कौन सा वादा है जो आपने पूरा किया? विभिन्न योजनाओं का की घोषणा आपने की थी, 3 दशमलव जमीन दी जाएगी, फलाना दिया जाएगा, ये किया दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, दलित परिवार में हत्या होगी तो उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी, कोई एक वादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज तक पूरा किया हो तो आप लोग जो हारने के लिए कहेंगे मैं तैयार हूं। भाई आपने बांटा हम बटे, आपने वोट बैंक बनाया हम वोट बैंक बने, पर मिला क्या हम लोग को बदले में? जिसकी राजनीति आप दशकों से करते आए हैं, कोरी कुर्मी लव कुश भगवान जाने क्या क्या आपने वोट बैंक के तौर पर आपने नहीं कहा, पर मिला क्या भैया? आज भी जितने यहां पर समाज के लोग बैठे हैं, कुशवाहा समाज से आते हो, कोरी समाज से आते हो, कुर्मी समाज से आते हो, कोई भी आते हो भैया, मेरे लिए सब पहले बिहारी हैं। पर इतने साल से आप मुख्यमंत्री होने के बावजूद, हम लोग को अपना वोट बैंक बनाने के बावजूद, आप बात कीजिए मुख्यमंत्री जी कि कितने शैक्षिक संस्थान आपने हमारे लिए खोल के दिए, कितने स्वास्थ्य केंद्र आपने हमारे लिए खोल के दिए। क्या आज आपके राज में हमारे परिवार के लोगों को दूसरे प्रदेश नहीं जाना पड़ता शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? बुजुर्गों को मैं देखता हूं दिल्ली में लाइन लगाकर खड़े रहते हैं एम्स के सामने डॉक्टर से मिलने के लिए। क्यों ये सुख सुविधाएं हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिलती? क्यों मेरे बच्चों को दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का या बंबई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। आपने हमें सिर्फ जातियों में बांटा, पर बदले में आज भी मूलभूत जरूरतों के अभाव से हम लोग जूझ रहे हैं। बिहार के गांव जाकर देखिए किस व्यवस्था में है, और हकीकत है हिंदुस्तान बसता है और मेरा बिहार बसता है तो गांव में बसता है। उस गांव के हालात देख लीजिए, शिक्षा के नाम पर भाई कहीं तो भवन नहीं है, भवन है तो बैठने की व्यवस्था नहीं, सब है तो शिक्षक नहीं है। अस्पताल देख लीजिए, वहां पर डॉक्टर नहीं है, चिकित्सा के उपकरण नहीं है। भाई जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्वयं अपनी आंख के ऑपरेशन के लिए मोतियाबिंद जैसा छोटा सा ऑपरेशन, चाचा हमको लगता है आप करा के आए हो, मोतियाबिंद जैसा एक छोटा सा ऑपरेशन, उसके लिए जिस प्रदेश के मुखिया को 1000 किलोमीटर की फ्लाइट लेकर दिल्ली जाना पड़ता हो तो सोचिए उस प्रदेश के विकास के क्या स्तर है। शर्म आती है भैया हम लोगों को। आज की तारीख में अगर बिहार सुर्खियां बनता है तो सिर्फ गलत कारणों से, कहीं अपराध कभी हत्या, स्वास्थ्य की मैंने बात की, दिनों तक बिहार सुर्खियों में रहा जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में आंखें निकाल ली गई भैया मोतियाबिंद के ऑपरेशन के नाम पर, तभी मुख्यमंत्री दिल्ली भागे थे, नहीं तो संभवतः उनकी भी आंख निकाल ली जाती, दिल्ली से करा के आए हैं अपना ऑपरेशन। अपराध की वजह से सुर्खियां बनता है,